इन दिनों आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर आए दिन नए नए अपडेट देखने को मिलते होंगे। पहले जहां व्हाट्सएप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आदान प्रदान का जरिया था, फिर फोटो, वीडियो कॉल और फिर ग्रुप कॉल, ऐसे धीरे धीरे कई नए नए फीचर्स व्हाट्सएप से जुड़ते गए। इन दिनों आपको अपने व्हाट्सएप पर एक नया फीचर देखने को मिल रहा होगा। आपने अपने फोन के व्हाट्सएप में नीला गोला तो जरूर देखा होगा, जो कुछ दिन पहले ही आपके व्हाट्सएप में अपनी जगह बना लिया है। क्या आपको पता है कि इस नीले गोले का क्या इस्तेमाल है या क्यों हमारे व्हाट्सएप में है? अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता, तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप के नीले गोले के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए बड़ा और खास फीचर लेकर आया है। ये फीचर कुछ दिनों से व्हाट्सएप यूजर्स के इंटरफेस पर ब्लू सर्कल के रूप में नजर आ रहा है। ज्यादातर व्हाट्सएप यूजर्स इस फीचर से अनजान हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज है। देखिए, ये मेटा का भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर लियामा सी नाम से भी जाना गया है और ये AI असिस्टेंट है। यूजर्स इस फीचर का खूब प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह ट्रू वर्चुअल असिस्टेंट है और आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल चुटकियों में कर सकता है। बस आपको नीले बटन पर क्लिक करने के बाद अपना सवाल टाइप करके भेजना होगा। कुछ सेकंड में ये आपके सवाल का विस्तार से जवाब दे देगा। इसके साथ ही इस फीचर के माध्यम से यूजर्स सेटअप पिक्चर्स लेने के बाद इमेजन टाइप करके मेटा AI से AI इमेज में बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप के इस धांसु फीचर पर अगर आप प्रयोग करना नहीं जान रहे हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उनको फॉलो कर आप इसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस मेटा AI का हम कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन, डेस्कटॉप या टैबलेट में व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। इसके बाद चैट सेक्शन में आपको दाएं तरफ से नीले रंग का छोटा सा सर्कल नुमा आइकन नजर आएगा। नीले सर्कल जैसे दिखने वाले इस आइकन पर क्लिक करें। आइकन प्रेस करते ही आप मेटा AI के लियामा 3 पर आ जाएंगे। अब टर्म ऑफ यूज को पढ़ें और इसे एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद आप टाइपिंग बॉक्स पर भी किसी भी प्रकार का सवाल टाइप कर सकते हैं। सेंड बटन दबाने के बाद मेटा AI के जवाब का इंतजार करें। कुछ सेकंड में सवाल का जवाब मेटा का ये फीचर दे देगा। अगर यूजर्स को व्हाट्सएप पर मेटा AI का ये फीचर नजर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। आने वाले समय में मेटा के इस फीचर को और भी अपडेट किया जा सकता है। फेसबुक पर भी इस AI फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस AI असिस्टेंट की मदद से किसी पोस्ट के बारे में अतिरिक्त डिटेल मांग सकते हैं। अपनी फेसबुक पर किसने इतिहास से संबंधित कोई जानकारी शेयर की है, तो आप उसके बारे में भी और अधिक जानना चाह रहे हैं, तो इसकी मदद से उस टॉपिक पर दूसरी जानकारियों को भी सर्च कर सकेंगे। आप भी जानिए कि मेटा AI क्या क्या कर सकता है, किस तरह से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से हल निकाल सकता है। तो AI फोटो जनरेट कर सकता है। इस ट्रू वर्चुअल असिस्टेंट को यूजर्स किसी भी तरह की फोटो की बनवाने के लिए कह सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है मेक ए फोटो और बाद में जिससे संबंधित आप फोटो चाहते हैं उनकी कीवर्ड को टाइप करना होगा। आप इसके जरिए फोटो को एनिमेट भी कर सकते हो। मेटा AI पर हर सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ किसी भी सवाल को टाइप करें। इसके बाद AI इसे रीड करेगा और कुछ ही सेकंड में कंपाइल डाटा के साथ इसका जवाब देगा। इसके साथ ही आप इसे गाना, कविता, शायरी, प्ले लिखने के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप मैथ्स के सवाल का जवाब भी जान सकते हैं। ये आपके टूर को भी प्लानिंग कर सकता है, यूजर्स को सुझाव दे सकता है और कोड्स भी लिख सकता है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब दे सकता है। इसे चैटिंग्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस फीचर का बहुत ही अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्र अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने सवालों का जवाब जानने के लिए भी इसका सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही खेल, देश दुनिया, राजनीतिक घटनाक्रम, जियोपॉलिटिक्स की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको टिप्स भी दे सकता है। मेटा AI चुटकियों में काम करता है। कई बार बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन इस फीचर का इस्तेमाल कर किसी भी पैराग्राफ को समझने में बहुत कम समय लगेगा और उसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आपको बस
उस पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अंत में समरीज टाइप करना होगा। चुटकियों में ये पैराग्राफ का सार आपको दे देगा और इसे आपको समझा भी देगा, इससे आपका समय भी बचेगा। मेटा एआई का यूज करने के साथ ही आपको इन बातों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और दूसरा नुकसान, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो हमें दोनों पहलुओं का पता होना भी जरूरी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपके सवाल को समझता है और उसके बाद आपको सवाल का जवाब भी देता है। उच्च क्षमता वाला ये चैट बॉक्स यूजर्स के जवाब देने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को खंगालने के बाद उसे संशोधित करने के बाद उसका विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। कई बार ये आपको सवाल का गलत अर्थ समझ सकता है और गलत जवाब भी दे सकता है, इसलिए कभी भी संदेह होने पर प्रामाणिक सोर्स पर जाकर इसके जवाब की पुष्टि भी कर लेनी चाहिए। तो दर्शकों, हमेशा की तरह हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक कुछ नई नई जानकारी उपलब्ध करा सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारे जनता दरबार न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर इसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये खबर वास्तव में कुछ जानकारी मिली हो तो आप इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।